वेलकम फ्रेंड वन सेकेंड टू माय चैनल झड़बीसी बायोलॉजी ऑनलाइन। तो आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और वो भी क्विक रिव्यू देखेंगे, मतलब शॉर्ट में स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो भी डिटेल जो पॉइंट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो, और वो भी आसानी से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो जो है इंटरेस्टिंग है, मिस मत करना, पूरा वीडियो देखना और उसके बाद कमेंट करना अगर आपको डाउट और डिफिकल्टी आती है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सपोज यहाँ पे देखो, ये है सपोज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, कुछ इस तरह से शो होती है हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। ये है सपोज पोस्टीरियर पार्ट, वजेना, उसके बाद जो पार्ट आता है वो है कर्विक्स, ओके, ये है बॉडी पार्ट, और ये है ऊपर का फंडस, यूट्रस का पार्ट। और ये जो पार्ट है जहां पे जिस पार्ट को ओवरी अटैच होती है, सपोज ये है ओवरी, तो जिस पार्ट को ओवरी अटैच होती है वो पार्ट है ओविडक्ट का। ठीक है, अब यहां पे देखो, इस तरफ से एट अ टाइम एक ही ओवरी एक्टिव होती है, तो यहाँ पे हम सेकंड जो ओवरी है उसे यहाँ पे इनएक्टिव दिखाएंगे, मतलब ये अटैच है तो ये एक्टिव है, ये अटैच नहीं है तो ये इनएक्टिव है। ठीक है, ये यह है यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट का पार्ट जो ओवरी को अटैच करता है, यहाँ पे भी शो करेंगे कुछ इस तरह से, ओके। हाँ, तो ये कंप्लीट डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, इसे यहां पे थोड़ा इस तरह से शो करेंगे, ओके। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है तो उसमें पार्ट्स कितने आते हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट जो आता है वो है ओवरी, ये पार्ट। एक्चुअली ओवरीज कितनी होती है, ओवरी होती है दो, फर्स्ट एंड सेकंड, करेक्ट। उसके बाद ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है ओविडक्ट, आप ओविडक्ट को फॉलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, द अनदर नेम ऑफ ओविडक्ट इज फॉलोपियन ट्यूब, करेक्ट है। उसके बाद ये जो पार्ट है थर्ड पार्ट, जिसे कहा जाता है यूटेरस, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, और ये जो पार्ट है यूटेरस ये सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, मेल को यूटेरस नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट जो पार्ट है फीमेल का सेक्स ऑर्गन वो होता है वजेना। ठीक है, तो इस तरह के पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं। अब हर एक पार्ट का फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पे ओवरी जो होती है तो एक होती है लेफ्ट ओवरी, एक होती है राइट ओवरी। ओवरी ओवल शेप होती है और ओवरी के भीतर बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं। जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है फीमेल में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से ओवरी में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। सपोज प्राइमर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, उसके बाद मैच्योर फॉलिकल बनता है, वो रप्चर होता है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, उसके बाद कॉर्पस अल्बिकंस। तो सपोज मान के चलो कि ओवरी के फंक्शन कितने होते हैं, तो ओवरी के दो फंक्शन और तीन फंक्शन मेन है, कौन कौन से। फर्स्ट फंक्शन है ओवरी का एग प्रोडक्शन, एग प्रोड्यूस करना, मतलब एग प्रोडक्शन जो प्रोसेस है जिसे हम शॉर्ट में ओजेनेसिस बुलाते हैं। कौन सी प्रोसेस है, ओजेनेसिस, आपको ये टर्म भी आएगी। तो ओजेनेसिस मतलब क्या बताना है आपको, द प्रोसेस इन विच एग बिकम्स फॉर्म, द प्रोसेस नोन एज ओजेनेसिस, करेक्ट। सेकंड जो फंक्शन होता है ओवरी का वो होता है फीमेल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करना, कौन सा, इस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करना, फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है जिसे। फीमेल बॉडी के लिए जो हार्मोन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इस्ट्रोजन हार्मोन। क्यों, क्योंकि कोई भी फीमेल जब 13 टू 14 ईयर्स की हो जाती है तब प्यूबर्टी लेवल में आने के लिए और उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो होने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शो होने के लिए, अगर फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखने हैं तो वो दिखेंगे सिर्फ इस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, मतलब मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ होना, उसके बाद पेल्विक रीजन ब्रॉड होना, उसके बाद वॉइस में चेंज होना, हाई स्पीच ऑफ एक्शन,
उसके बाद जो है फेमिनिन स्टेचर प्रोड्यूस होना, उसके बाद रिपोर्टिव ऑर्गन की ग्रोथ होना, मेमरी ग्लैंड में मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ होना जैसे हमने पहले बताया, और उसके बाद एक्सियल और प्यूबिक हेयर्स ग्रो होना। तो ये सारे कैरेक्टर जो है इनको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखते हैं किन में, फीमेल में। ओके, और थर्ड फंक्शन होता है ओवरी का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करना। कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन। आपको ऐसा नहीं समझना है कि प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट हार्मोन नहीं है, हालांकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल बॉडी का। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी आती है सिर्फ फीमेल को, मेल को तो प्रेगनेंसी आ नहीं सकती, ठीक है। तो जब फीमेल को प्रेगनेंसी आती है तो ऐसा कहा जाता है कि 3 मंथ तक, मतलब पहले जो 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं उसको, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जब फीमेल को प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए कौन से हार्मोन की हेल्प होती है? तो वो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे 3 फंक्शन आपको ध्यान में रखनी है ओवरी के। ओवरी के भीतर एग फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, मतलब ओजेनेसिस, उसके बाद इस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है फॉलिकुलर सेल के थ्रू, और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है अगर फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो। किसी किसी केसेस में अगर फीमेल में अबॉर्शन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ दिनों के बाद अगर एम्ब्रियो नीचे गिर जाता है, बॉडी से बाहर गिर जाता है, तो उसे हम अबॉर्शन कहते हैं। तो अगर नेचुरल अबॉर्शन होता है, मतलब नैसर्गिक वेग के थ्रू अगर एम्ब्रियो बाहर गिरता है, और अगर आर्टिफिशियल अबॉर्शन है हमें करना है, मतलब वो आर्टिफिशियल होता है, जब हम हॉस्पिटल में जाके अबॉर्शन करते हैं तो वो आर्टिफिशियल है, लेकिन नेचुरल अबॉर्शन जो होता है तो उसके पीछे रीजन एक ही होता है, फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। तो फीमेल बॉडी में अगर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल अच्छी है तो प्रेगनेंसी अच्छी तरीके से मेंटेन की जाती है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन लगता है? तो आपको ध्यान में रखना है एक ही हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो आपको बोलना है प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है, तो उसका आंसर एक ही है, प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। और हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान जब 3 मंथ्स हो जाते हैं तो 3 मंथ्स होने के बाद प्लासेंटा खुद एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। वो बाद में प्रोजेस्टेरॉन की जगह ले लेता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। लेकिन अगर 3 महीने तक, पहले 3 महीने तक प्रेगनेंसी मेंटेन करनी हो और प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अबॉर्शन ज़्यादातर केसेस में 2-3 महीने के भीतर भीतर ही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसी के कारण इसे आपको माइंड में कंपलसरी याद में रखना है, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहना है, ठीक है। तो आपको पूछा जाए ओवरी में कितने फंक्शन होते हैं, तो 3, ओजेनेसिस, एग फॉर्मेशन, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है जिसे कहा जाता है इस्ट्रोजन, और प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है जिसे कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट कौन सा है? ओविडक्ट, जिसे फॉलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ओवरीज पेयर्ड में है और फॉलोपियन ट्यूब भी पेयर्ड में है, ठीक है। क्यों होती है फॉलोपियन ट्यूब फीमेल बॉडी में? तो ये एक पर्टिकुलर डक्ट के फॉर्म में है, मतलब ये डक्ट है एक पर्टिकुलर जो स्टार्ट होता है ओवरी से और यूटरस तक जाता है, ठीक है। तो ओवरी से यूटरस तक जो ट्यूब होती है और जो डक्ट होता है उसी को कहा जाता है ओविडक्ट और फॉलोपियन ट्यूब। अब इसके भीतर सिलिया प्रेजेंट होता है, मतलब सिलिया नाम का पार्ट, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन भी है, क्यों? क्योंकि एग नॉन मोटाइल होता है, तो जब एग यहाँ पे आता है फॉलोपियन ट्यूब में तो एग की मूवमेंट करने के लिए और एग एम्पुला रीजन तक लाने के लिए, ये जो मिडल पार्ट होता है जिसे एम्पुला कहा जाता है, तो एम्पुला रीजन तक, मतलब इस पार्ट तक, मिडल पार्ट कौन सा है? एम्पुला। तो एम्पुला रीजन तक एग को और ओव्यूम को लाने का काम सिलिया का होता है और ये जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स है इनका होता है। तो सिलिया के थ्रू मूवमेंट करते हुए एग को जो है तो यहाँ पे लाया जाता है एम्पुला तक। अब होता क्या है बाद में, एक्चुअली ओविडक्ट के पार्ट कितने हैं? तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है फनेल शेप आगे वाला, इसे कहा जाता है इनफंडिबुलम, आपने सुना भी होगा शायद। फर्स्ट पार्ट है इनफंडिबुलम, सेकंड पार्ट जो लॉन्गेस्ट होता है वो है एम्पुला, और थर्ड पार्ट जो है वो है इस्तमस।
और ईस्थमस ये जो पार्ट है ये छोटा होता है और ये डायरेक्टली ओपन होता है यूटरस में, ठीक है। अब इनफंडिबुलम फनियल शेप आगे वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं कि इसको कवरिंग होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की, जिसे फिमरी कहा जाता है। इनफंडिबुलम को कवरिंग होती है फिमरी की, और फिमरी के मिडल पार्ट में कौन सा पोर होता है? ऑस्टियम। तो इस तरह का पार्ट होता है ओविडक्ट, ठीक है। मतलब ओविडक्ट एक पर्टिकुलर डक्ट है और ट्यूब है जिसके सामने इनफंडिबुलम होता है जिसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और उसके मिडल पार्ट में यहाँ पे ऑस्टियम नाम का पोर होता है जिसके थ्रू एग एब्जॉर्ब और एग रिसीव किया जाता है ओवरी से, ठीक है। अब एग यहाँ पे तो आ गया ओविडक्ट में, तो आपको बताना क्या है, अब आपको बताना है ओविडक्ट के फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन बजाता है ओविडक्ट। तो ओविडक्ट का एक फंक्शन मेन है, वो है फर्टिलाइजेशन साइट। इट एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजेशन साइट। मतलब अगर आपको पूछा जाए इन चारों पार्ट में से, वजेना, यूटरस, ओविडक्ट और ओवरी, इन चारों पार्ट में से फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म एंड एग का फ्यूजन। तो सपोज ये है स्पर्म और ये है एग, तो स्पर्म और एग इन दोनों का फ्यूजन कौन से पार्ट में होता है, तो वो फ्यूजन होता है यहाँ पे ओविडक्ट में। तो आपको बोलना है ओविडक्ट का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड फर्टिलाइजेशन साइट। ये क्या देता है, फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करता है। आ गया समझ में, ठीक है। और आपको अगर एमसीक्यू आता है कि ओविडक्ट में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, वो पार्ट होता है एम्पुला, ओके। अब ओविडक्ट का और एक फंक्शन होता है, ओविडक्ट अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइज किया हुआ एग कैरी करता है और उसे पैसेज प्रोवाइड करता है, कहां तक, यूटेरस तक। ये भी फंक्शन है, मतलब इट कैरी फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस, ओके। हाँ, अब देख लेते हैं यूटेरस क्या है क्या नहीं। तो ये जो मिडल पार्ट है इसे कहा जाता है यूटेरस, ओके। ये है सपोज यूटेरस, तो यूटेरस जो है ये ट्रायंगुलर पार्ट होता है, उसके बाद हाईली मस्कुलर है, इसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, तो इसी के कारण हम इसे हाईली वस्कुलर कह सकते हैं। और यूटरस के होते हैं तीन पार्ट्स। ऊपर का जो पार्ट होता है यूटरस का, इसे कहा जाता है फंडस, जो डोम शेप होता है, करेक्ट। मिडल पार्ट जो है तो ये होता है बॉडी। मिडल पार्ट कौन सा है, बॉडी, जिसे मेन पार्ट कहा जाता है। और नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो होता है सर्विक्स का, और जिसे कर्विक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स, यहां तक फंडस, बॉडी एंड कर्विक्स, ये तीनों पार्ट किसके होते हैं, ये तीनों पार्ट्स होते हैं यूटरस के। तो यूटरस थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है। अब बॉडी जो है तो बॉडी को तीन लेयर्स की कवरिंग होती है। देखो यहां पर फर्स्ट होती है पेरीमेट्रियम, उसके बाद होती है मायोमेट्रियम, और उसके बाद होती है एंडोमेट्रियम। तो तीन लेयर्स की कवरिंग होती है यूटरस को। कौन कौन सी लेयर बताई हमने, बाहर की पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, और उसके बाद में एंडोमेट्रियम, ओके। तो ये है वॉल, नाम क्या क्या है इनके, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमेट्रियम बाहर की, उसके बाद मायोमेट्रियम मिडल वॉल जो होती है, और उसके बाद एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट होती है। एंडोमेट्रियम ये वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हाईली वस्कुलर होती है जिसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे मेनस्ट्रुअल साइकिल आगे बढ़ती रहती है, 28 दिन में आती है मेनस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन बाद, तो मेनस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी में भी चेंजेस पाए जाते हैं, और यूटरस की जो वॉल होती है जो थोड़ी थिक होती है वो कभी कभी थिन हो जाती है, बाद में उसकी साइज बढ़ती भी है, ठीक है। तो यूटरस वॉल जो है तो कम ज़्यादा हमें देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू द मेनस्ट्रुअल साइकिल। अब यूटरस में होता क्या है, तो यूटरस में फंक्शन देखो कितने हैं। सबसे पहला फंक्शन, यूटरस में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। क्या होती है, यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। तो सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का अटैचमेंट और इस तरह की अटैचमेंट देखने को मिलती है। तो सपोज ये है फिटस, तो फिटस यहाँ पे
ग्रो होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि एम्ब्रियो की फुल डेवलपमेंट और फिटस की डेवलपमेंट कौन से पार्ट में होती है, तो फिटस की डेवलपमेंट और बच्चा जो होता है छोटा बच्चा उसकी डेवलपमेंट कौन से पार्ट में होती है, तो वो होती है यूटरस में। तो इसी के कारण यूटरस को उम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? उम्ब कहा जाता है, क्योंकि यहां पे फिटस जो होता है उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है। सेकंड, पार्चुरेशन होने के लिए, पार्चुरेशन मतलब बच्चा बाहर आना, द प्रोसेस इन विच फुल टर्म बेबी इज एक्सपेल्ड आउट, पूरा डेवलप हुआ जो बच्चा होता है वो फीमेल बॉडी से बाहर आता है, तो उस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है, और नॉर्मल लैंग्वेज में उसे डिलीवरी कहा जाता है। तो डिलीवरी के वक्त ये पार्ट जो होता है यूटरस, इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यूटराइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद बेबी को बाहर आने में हेल्प होती है, तो मतलब पार्चुरेशन प्रोसेस के लिए भी हेल्प करता है। सबसे पहले फिटस को क्या देता है, फिटस की ग्रोथ होती है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद पार्चुरेशन प्रोसेस के लिए हेल्प करता है, मतलब डिलीवरी के लिए हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे प्लासेंटा भी फॉर्म हो जाती है। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो ये है सपोज प्लासेंटा का पार्ट। ठीक है। तो प्लासेंटा अगर फॉर्म हो जाती है कंप्लीटली, ऐसा कहा जाता है कि 3 months आफ्टर प्रेगनेंसी प्लासेंटा पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, तो प्लासेंटा फॉर्मेशन के लिए, प्लासेंटा फॉर्मेशन के लिए मतलब फॉर्म करने के लिए कौन सा पार्ट हेल्प करता है, यूटरस नाम का पार्ट हेल्प करता है। और लास्ट में ये जो एम्ब्रियो यहाँ पे उसकी ग्रोथ हो रही है, मतलब 9 months and 9 days जिसे हम 36 वीक्स बोलते हैं, तो नियर अबाउट 36 वीक्स तक यहाँ पे डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की। मान के चलो 9 months तक यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की, तो 9 months तक जब डेवलपमेंट होती है बच्चे की, तो तब तक बच्चे को नरिशमेंट कौन से पार्ट से मिलती है, तो वो मिलती है यूटरस से। तो यूटरस का काम होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द फीटस, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू फीटस, फीटस को क्या देना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो इतने फंक्शन होते हैं यूटरस के मेजर मेजर, कौन कौन से, प्लासेंटा फॉर्म करने के लिए हेल्प करना, फीटस की ग्रोथ करने के लिए हेल्प करनी, उसके बाद में पार्चुरेशन प्रोसेस के लिए हेल्प करना, और उसके बाद में फिटस को नरिशमेंट देना। तो ये मेन फंक्शन है यूटरस के। ओके। अब जो पार्ट है वो है कर्विक्स, ये वाला। तो कर्विक्स को 2 openings होती है, ये है ऊपर वाली ओपनिंग और ये है सपोज नीचे वाली ओपनिंग। तो कर्विक्स का ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस मतलब ओपनिंग सिस्टम कह सकते हैं आप। तो ये पार्ट यूटरस में ओपन होता है, और कर्विक्स का नीचे वाला हिस्सा मतलब ये जिसे एक्सटर्नल ओएस कहा जाता है, एक्सटर्नल ओएस, तो ये ओपन होता है डायरेक्टली वजेना में। ठीक है। तो ये पार्ट थोड़ा नैरो होता है, कौन सा पार्ट, कर्विक्स नाम का पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट था फंडस, उसके बाद बॉडी जो मेन था, और उसके बाद था कर्विक्स। तो ये तीनों पार्ट किसके थे, यूटरस के। तो यूटरस भी यहाँ पे स्टडी कर लिया हमने। अब एक ही पार्ट बचा हुआ है जो है सेक्स ऑर्गन फीमेल का, जिसे कहा जाता है वजेना। ठीक है। वजेना ये जो है ये एक पर्टिकुलर ट्यूब होती है, सपोज यहाँ पे न लिखते हुए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो सपोज ये वजेना की ट्यूब है जो 10 centimeters तक लंबी होती है, तो इसकी साइज नियर अबाउट 10 centimeters लॉन्ग होती है। ठीक है। उसके बाद वजेना के अंदर से यहाँ पे वजेनल रुगी मतलब ये फोल्डिंग्स यहाँ पे पाई जाती है, ट्रांसवर्स फोल्डिंग्स कहते हैं उसे। तो वजेना के अंदर ट्रांसवर्स फोल्डिंग होती है, तो उस पार्ट को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वजेनल रुगी। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वजेना का पीएच हमेशा एसिडिक होता है, द पीएच ऑफ वजेना इज हाईली एसिडिक। वजेना का पीएच हाईली एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि वजेना के भीतर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, वजेना का पीएच एसिडिक कर देता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये रीजन आपको ध्यान में रखना है, इट कंटेन लैक्टोबैसिलस एंड ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ लैक्टोबैसिलस द पीएच ऑफ वजेना बिकम्स वेरी एसिडिक। ओके। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वजेना को कौन से भी चीज का इन्फेक्शन, मतलब ज्यादातर केसेस में फंगल इन्फेक्शन नहीं हो सकता, तो वजेना को फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, और फंगल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कौन सा पार्ट हेल्प करता है,
तो वजन की एसिडिटी और एसिडिक नेचर यहां पे हेल्प करता है। ओके, और वजन का फंक्शन क्या होता है? वजन का फंक्शन होता है सेक्स करने के लिए हेल्प करना। तो वजन का काम क्या है? इट एक्ट्स एज अ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फीमेल और इट एक्ट्स एज अ सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। वजन को सेक्स ऑर्गन कहा जाता है फीमेल का, जो सेक्स के लिए हेल्प करता है। और उसके बाद वजन को बहुत सारे कैनल कहा जाता है, मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। सबसे पहले बच्चा जहाँ से बाहर आता है वो जगह मतलब वजाइना, तो उसे बर्थ कैनल भी बुला सकते हैं आप। दूसरी बात, मेनस्ट्रुअल फ्लो जो होता है मतलब मासिक धर्म के थ्रू जो सिक्रेशन बाहर आता है ब्लड गिर, वो भी वजाइना से ही बाहर आता है, तो आप उसे मेनस्ट्रुअल कैनल भी कह सकते हैं। उसके बाद कॉपुलेशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का दूसरा नाम है कॉपुलेशन, तो कॉपुलेशन होने के लिए भी हेल्प होती है वजाइना की, तो आप उसे कॉपुलेशन कैनल भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वजाइना जो है, तो वजाइना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के वक्त पेनिस को रिसीव करती है, तो आप इसे बहुत सारे कैनल के नाम दिए गए हैं, मतलब फर्स्ट जो है तो वो है कॉपुलेशन कैनल, उसके बाद सेक्स कैनल, उसके बाद पार्चुरेशन कैनल, उसके बाद मेनस्ट्रुअल कैनल, तो ये बहुत सारे नाम है, और उसके बाद बर्थ कैनल, ये सारे नाम है वजाइना के। ठीक है, तो आई होप सो ये जो 4 पार्ट्स थे जिन्हें हम इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स कहते हैं, मतलब ओवरी जो होती है एब्डोमिनल रीजन में, उसके बाद में ओविडक्ट पेयर्ड में होता है जिसका फंक्शन होता है एक कैरी करना, उसके बाद यूटरस जिसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, उसके बाद वजाइना जो सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल का। तो ये 4 पार्ट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो प्लीज़ एक सेंटेंस में और 2 सेंटेंस में अपनी कमेंट ज़रूर लिखना। और हाँ, आपको कुछ डाउट डिफिकल्टी हो इस पोर्शन में, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। ओके, और उसके बाद जो है तो वीडियो अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, जितना आप शेयर करोगे उतना अच्छा है मेरे लिए, तो प्लीज़ शेयर कर देना अगर आपको पसंद आए तो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। अगर आप पर्सनल टीचिंग वीडियोस देखना चाहते हैं और पैकेज के थ्रू वीडियोस देखने चाहते हैं जो मैं स्पेशली बनाने वाला हूँ सीरीज़, तो वो आप देख सकते हैं ज्वाइन बटन क्लिक करके। तो ज्वाइन बटन क्लिक करके आप प्लान चूज़ कर सकते हैं, तो उस हिसाब से भी आप टीचिंग मेथड जो है और टीचिंग जो है मेरी, तो उसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।